इस वक्त कुछ रियायतें सप्लाई एंड पर मिली हैं, और क्योंकि उपभोक्ताओं तक या कंज्यूमर तक या आम जनता तक जो जरूरी सामान है उसको पहुंचाने के लिए ये बेहद अहम कदम था। लेकिन आज हम समझेंगे अपने कार्यक्रम में कि असल में इन रियायतों के बाद आम उपभोक्ता तक, आम आदमी तक वो सामान कैसे पहुंच रहा है, और जो लोग सामान पहुंचा रहे हैं चाहे वो रिटेलर हो या फिर ऑनलाइन पोर्टल्स हो, उनके सामने क्या दिक्कतें हैं, क्या सहूलियतें हैं, और जो एमएचए ने गाइडलाइंस जारी की थी उन गाइडलाइंस में कहां पर उन्हें हर्डल्स हैं या क्या कुछ और बदलाव वो चाहते हैं अगर इस सप्लाई चेन को हमें मेंटेन करना है और इसको मजबूत करना है। हमारे साथ चार बेहद खास मेहमान हैं चर्चा में। हमारे साथ निधि खरे हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। निधि जी बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे नमस्कार। साथ सिद्धार्था है, नेशनल इकोनॉमिक एडिटर है टाइम्स ऑफ इंडिया से। सिद्धार्था स्वागत है आपका। हमारे साथ दीपांक भंडारी हैं जो कि हेड है सप्लाई चेन प्लानिंग गॉर्फर से। दीपांक स्वागत है आपका। और हमारे साथ बी एस नागेश जी हैं जो कि फाउंडर हैं टेरेन यानी कि ट्रस्ट फॉर रिटेलर्स एंड रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया से। बी एस नागेश साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत निधि जी मैं आपसे करना चाहूंगा, लॉकडाउन टू के बीच में सप्लाई कितना मुश्किल टास्क है, और जो नई आपने छूट दी, कुछ रियायत दी, उसके बाद इसमें कितना बदलाव आया है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में जो एक सबसे बड़ी जो व्यवस्था हम लोगों ने मेंटेन की है वो ये है कि फूड और इसेंशियल आइटम्स की किस प्रकार से सप्लाई और सप्लाई चेन मेंटेन की जाए। और इसके लिए आपको मालूम ही होगा कि एक एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया गया सरकार से। वर्चुअली हर रोज इस पर मीटिंग होती है जिसमें कि तमाम अलग मिनिस्ट्रीज, जिसमें सरफेस ट्रांसपोर्ट है, पोर्ट्स हैं, जो सिविल एविएशन है, ये सभी का इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि बहुत बड़े स्तर पे सामान को लाना और पहुंचाना ये एक जवाबदेही है। हमारे विभाग ने ये इंश्योर किया कि हम समय रहते ही इस पर समुचित कार्यवाही करें, और इसी कारण से सभी जो इस पैकेज्ड कमोडिटी के अंतर्गत जो हमारे 50 बहुत बड़े एफएमसीजीज हैं उनके साथ लगातार मीटिंग्स हुई, इश्यूज को समझा गया कि किस प्रकार से क्या चुनौतियां हैं और उनके अनुरूप ही कार्यवाही की गई। तो एमएचए के द्वारा भी जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो इन्हीं सब इनपुट्स के आधार पे हैं। दीपांक, अगर मैं समझूं जो ऑनलाइन या फिर मैं कहूँ डिजिटल माध्यम था उपभोक्ताओं तक पहुंचने का, इस लॉकडाउन टू के बीच में जो कुछ रियायतें सामने आई है बच्चे की ओर से, कितनी सहूलियत आप लोगों को हो रही है? और अगर मैं एंड प्रोडक्ट और एंड यूजर तक की बात करूं, वहां तक उस चेन को मेंटेन करने में अपने रोल को और चुनौतियां शुरुआती लेवल पर क्या है? तो मैं स्टार्ट करता हूँ जब से लॉकडाउन का शुरुआत हुई, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने नेशनल टेलीविजन पे जब लॉकडाउन को अनाउंस किया, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे को आई कस्टमर तक सामान पहुंचाने के लिए हमें हमारे एम्प्लॉयज को सेफली वेयरहाउस पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट था। वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। और वहां पर गाइडलाइंस जब तक लोकल लेवल तक पहुंची तब तक काफी डिसरप्शन पहुंच चुका था हर हर शहर में, हर लोकैलिटी में, और डर डर बहुत ही ज्यादा फैल गया था लोगों में कि वो काम करने आए या ना आए। बट धीरे धीरे विद गवर्नमेंट सपोर्ट, अथॉरिटी सपोर्ट, हम लोग हमारी कैपेसिटीज के ऊपर वापस आ गए हैं। तो आई थिंक मेरे को लगता है कम्युनिकेशन इज द की। गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने अभी तक हमारे को काफी सपोर्ट किया है, और हम तो यही चाहेंगे कि इसी तरह का सपोर्ट बना रहेगा तो हम लोग हमारे कस्टमर्स को ऐसे चैलेंजिंग टाइम्स में आसानी से सर्विसेज दे पाएंगे। तो आई थिंक अभी तक हमारी जर्नी काफी चैलेंजिंग रही क्योंकि बहुत सारी अनसर्टेनिटीज थी, कुछ पता नहीं था आगे क्या होने वाला है। तो आई थिंक सो अभी तक के लिए तो हमारा पाथ काफी चैलेंजिंग था, बट अब इट्स ऑलमोस्ट हमारे को 1 महीना हो गया है
इस पूरे दौर से गुजरते हुए हम लोग हमारी प्री कोविड कैपेसिटीज पे पहुंच गए। ओके okay. और दीपांक, अगर मैं सप्लाई की बात करूं, बैकहेंड जो स्टॉक है वहां पर पोजीशन पहले से बेटर हुई है, क्योंकि शुरुआती जो फर्स्ट लॉकडाउन था वहां पर थोड़ी सी ऐसा लग रहा था कि लास्ट एंड पर आते आते थोड़ी दिक्कत पेश आई थी। देखिए डिसरप्शन था सप्लाईज में, क्योंकि सप्लाई को समझने के लिए उसके इकोसिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। मैं ट्रक ड्राइवर की बात कहता हूँ, ट्रक ड्राइवर जब एक डिस्ट्रीब्यूटर से हमारे यहाँ पे सामान लेकर आता है तो उसको रास्ते के होटल्स उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो 24 घंटे ट्रक चलाता है, तो जब उसके वो इकोसिस्टम्स बंद होने लगे तो उसको उसको सर्विसेज देने के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस होने लगे। बट आज की डेट में हमारी जो डिस्ट्रप्शन लेवल्स हैं वो 10 से 15% है, और मैं उम्मीद करता हूँ विद इन नो टाइम हम लोग नॉर्मल कैपेसिटीज के ऊपर आ जाएंगे। मैं बैकएंड सप्लाई की बात कर रहा हूँ, जहां से माल डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी से हमारे पास में आता है, तो मल्टीपल चैलेंजेस हैं, बट धीरे धीरे हम वहां पे पहुंच गए। तो नागेश जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं रिटेलर्स की भूमिका और लॉकडाउन फर्स्ट जो हुआ वहां पर भी जो लोकल मैं कहूँ की ग्रोसरी शॉप थी या एसेंशियल सर्विसेज में जो दुकानदार थे उनको ओपन रखा गया, टू में कुछ जो ग्रीन जोन या फिर दूसरे जो जोन बनाए गए वहां पर रियायतें ज्यादा बढ़ाई गई है, इस कदम के साथ तालमेल कितना सही इस वक्त चल रहा है, और जो सप्लाई मैं कहूँ है बैकएंड से वो मेंटेन है या वहां पर आपको लगता है कि थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट या कुछ और कदमों की जरूरत है? देखिए जब हम सप्लाई चेन की बात करते हैं तो वो एक पाइप की तरह है, और इस पाइप में हर चीज स्मूथली चलना चाहिए, कहीं भी थोड़ा चोक हुआ तो ये आगे जो है पाइप जो है वो चोक हो जाता है और फिर आपका सप्लाई चेन काम नहीं करता है। तो आज के दिन में अगर आप देखो जो गवर्नमेंट है, मिनिस्टर MHA है, कंज्यूमर अफेयर्स है, इनके जितने भी इन्होंने पॉलिसीज बनाए हैं वो मेरे ख्याल से अच्छे पॉलिसीज बनाए हैं। जैसे दीपांक ने कहा, आई थिंक द गैप्स आर इन द कम्युनिकेशन। तो कभी क्या होता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट बोलता है कि मैं केवल 3 दिन दुकानें खोलूंगा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडेज और 9 to 5 के बीच में, एंड यू ऑल्सो वॉन्ट टू कीप डिस्टेंस एंड यू वॉन्ट टू ऑल्सो कीप सैनिटी एंड यू वॉन्ट टू ऑल्सो कीप द कस्टमर्स इन द राइट मूड, वो तकलीफ हो जाता है। बट अदरवाइज अगर आप देखो तो शायद ब्रांड्स नहीं मिल रहे हैं कस्टमर के चॉइस के, बट जहां तक प्रोडक्ट्स का सवाल है बिना ब्रांड्स के कस्टमर्स को मिल रहा है, और जहां जहां मैन्युफैक्चरिंग में थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स आए हैं और मैन्युफैक्चरिंग पूरे कैपेसिटी में नहीं जा रहा है, देर आर चॉइसेस विच आर शॉर्ट। बट आज के दिन में देखो 130 करोड़ के देशवासियों को, हमारे जो 1.5 करोड़ जो हमारे किराना भाई हैं और जो मॉडर्न रिटेल के सुपरमार्केट्स हैं, इन लोगों ने सबका किचन तो चलने दिया है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे इस हालात में भी जो है सप्लाई चेन चला है, तो उतना प्रॉब्लम आया नहीं जितना हम सोचते थे, पर बहुत चीज़ें अभी भी इम्प्रूव हो सकती हैं। और अगर ये लॉकडाउन रहा तो ये जरूरी है कि जहां सप्लाई बढ़ाएंगे वहां दुकानों को खोल के रखना जरूरी है और उनको पूरे टाइम खोलना पड़ेगा, अदरवाइज सप्लाई बढ़ जाएगा और अगर दुकानें बंद हो गई तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। ओके सिद्धार्थ, बहुत अहम है मैं, क्योंकि जब हम इस पूरे लॉकडाउन टू में देख रहे हैं और धीरे धीरे करके ईज आउट करने की कोशिश सरकार की ओर से हो रही है, धीरे धीरे रियायतों को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसे में एंड यूजर तक सामान और नेसेसरी जो है मैं कहूँ कि कुछ इलाके जहां पर अभी रेड जोन में है वहां पर पहुंचाना, इसके अलावा जो जोन ग्रीन या ऑरेंज में पहुंच रहे हैं वहां पर डिमांड का बढ़ना किस तरीके से देखते हैं, और ऐसे में जो टूल है चाहे वो रिटेलर्स की भूमिका हो या फिर हमारे ऑनलाइन स्टोर्स की भूमिका हो, किस तरीके से मजबूत होती दिख रही है और अब तक का उनका परफॉर्मेंस? देखिए जो शुरुआत में जैसे दीपांक जी बता रहे थे, जो मॉडर्न ऑनलाइन वाले फॉर्मेट्स हैं उनको परेशानी आई थी, क्योंकि उनका जो बिजनेस मॉडल का डिज़ाइन मेरे हिसाब से, दीपांक जी इसके विशेषज्ञ हैं, वह एक बिजनेस एज यूजुअल के तौर पे चलने के लिए डिज़ाइन थी, जिसमें आपको कंपनी से माल आपके पास आ रहा हो बिना किसी परेशानी से, उस किस्म के मॉडल के लिए डिज़ाइन थी ये सप्लाई चेन। जहाँ तक किराना दुकान का सवाल है, उनके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी थी, यदि डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर से सामान नहीं आ रहा था तो सुबह दुकान वाले का बेटा खुद गाड़ी लेके वहाँ से जाके गलियों से होता हुआ सामान लेके आ जा रहा था, इस वजह से ये हो पाया कि गली मोहल्लों में किराना दुकान से आटा दाल और बाकी ज़रूरत की सामानें आ गई।
धीरे धीरे जो है शुरुआत में एक और परेशानी ये आ रही थी कि लोकल लेवल पर जो पुलिसकर्मी थे उन तक मैसेज पूरी जा नहीं रही थी, इस वजह से लोगों को परेशानी हो रही थी सामान पहुंचाने में। पर एमएचए द्वारा बार बार चिट्ठियां भेजने से और केंद्र के अन्य विभागों से तालमेल करने से यह चीज़ें बेहतर हो गई हैं। अभी भी जो है जैसे आप कोई किसी ब्रांड का बिस्किट ढूंढें तो हो सकता है वो आपको उस समय नहीं मिले, पर कल सुबह या कल शाम को आपको मिल जाए। उसी कोई दवाई हो सकता है आपको 10 गोलियां चाहें तो आपको 5 मिले, लेकिन शाम तक आपको मिल जाएगी। तो सप्लाई चेन किसी तरीके से वो चालू है। जो परेशानी आ रही थी पैकिंग मटेरियल वगैरह की, वो पहले एसेंशियल गुड्स के दायरे में नहीं आ रहे थे, वह चीज़ों पे क्लैरिफिकेशन आते गए और स्थिति जो है सामान्य तो नहीं है, पर हाँ चेन चालू है। ओके निधि जी, क्योंकि आप जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि कुछ इलाकों में, कुछ राज्यों में, कुछ जिलों में जहां पर केसेस कम हो रहे हैं, रियायत बढ़ाई जा रही है, और ऐसे में जाहिर है कि मांग बढ़ेगी, लोग ज्यादा सामान की खरीदारी करना शुरू कर सकते हैं। ऐसे में जो कंपनियां हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, वहां पर कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। उस एंड पर किस तरीके से अब तक आप लोगों के कदम हैं, किस तरीके से नेगोशिएशंस या फिर मीटिंग्स का दौर है, क्योंकि हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद अगले कुछ हफ्तों के बाद ये डिमांड में धीरे धीरे इसमें ग्रोथ नजर आने लगे। बिल्कुल आपका कहना एकदम सही है कि जैसे ही लॉकडाउन से हम लोग निकलेंगे, एक अनुमान किया जा रहा है कि सडनली सप्लाईज पर एक प्रेशर आएगा। लेकिन आप ये देखें कि जो फूड आइटम्स हैं, सरकार ने रेल के माध्यम से और तमाम मेडिसिंस और जो मास्क, सैनिटाइजर और तमाम ऐसी जो इसेंशियल चीज़ें थी, उनकी सप्लाई को अलग अलग स्टेट्स में पहुंचाने का, इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को पहुंचाने का बहुत बेहतरीन काम किया। और ये भी शुरू में ही निर्धारित कर लिया गया था कि जैसे मान लीजिए आटा है, अगर हम किसी ब्रांड का आटा लेते हैं तो वो वास्तव में प्रोक्योरमेंट जब तक, या मान लीजिए जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, अगर वहाँ पे हम रियायत नहीं करेंगे और फसल की कटाई, उसका स्टोरेज, उसको प्रोसेसिंग करना, अगर हम ये स्टार्ट नहीं करेंगे तो फूड आइटम्स में एक किल्लत आती। तो मैं समझती हूँ कि ये जो सभी जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, इनके साथ बैठ करके जो एवरी डे ऑलमोस्ट हम मॉनिटर कर रहे थे सिचुएशन की, आज ये देन है कि हमारे राष्ट्र में ना तो रूरल एरियाज में और ना ही अर्बन एरियाज में बहुत भयंकर कोई किल्लत हुई है। जो अर्बन सेटलमेंट्स हैं, यहाँ पर खास करके वो लोग जो ई कॉमर्स पे डिपेंडेंट हैं या जो रिटेल चेन से मतलब लेते हैं, उनके लिए भी सहूलियत ये रखी गई कि हम धीरे धीरे करके ट्रक्स की आवाजाही, उसको हम लोगों ने एक तरह से उसको भी संभाला। और स्टेट्स में बेहतर जानकारी हुई है कि एक जो ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन करके जो एक वर्गीकरण किया गया है, इससे फायदा ये हुआ है कि पूरे के पूरे स्टेट को कंटेन करने की जरूरत नहीं है और हो सकता है एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई है। अभी जब कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ जो चर्चा हुई, उसमें भी ये एक स्ट्रैटेजी के रूप में समझा जा रहा है कि हम इसको और किस प्रकार से आगे बढ़ाएं, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए और ये ध्यान में रखते हुए कि हम अपने इन्फेक्शन और जो कंटेमिनेशन है उसको हम रिड्यूस करते हुए हम कैसे ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल की तरफ कैसे पढ़े। ओके दीपांक, क्योंकि दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें अगर मैं कहूं, और जैसे कि हम बढ़ते जा रहे हैं, अब केसेस कम होंगे, हम इसके बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और जो ग्रीन और ऑरेंज जोन है उनकी संख्या बढ़ती रहेगी, और ऐसे में जो प्रेफरेंस है वो अलग अलग इलाकों में अलग हो सकती है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि ऑनलाइन जो सिस्टम होगा वहां पर ज्यादा प्रेशर होगा। किस तरीके की तैयारियां मैं कहूं कि आप लोगों की तरफ से हैं, और उसके लिए जो कदम है, चाहे वो सरकारी सपोर्ट की बात करें या फिर बैकएंड पर सप्लाई की बात करें, उसको लेकर क्या आप लोगों की तैयारियां हैं और क्या आप सरकार से उम्मीद करते हैं?
तो मैं सप्लाई चेन के बिल्कुल बॉटम से चलता हूँ. हमारा जो बैक एंड है ऑफ दिस एंटायर सप्लाई चेन, हमारा वेयर हाउस है, वहां से सारा माल, वहां पे सारा माल आता है, इकट्ठा होता है, डिमांड प्लानिंग होती है, और उसके हिसाब से शहरों में अलग अलग छोटे छोटे एरियाज के हिसाब से जहाँ पे डिमांड प्रोजेक्शन होती है उसके हिसाब से हम लोग हमारी कैपेसिटी प्लान करते हैं. अब सिचुएशन डे बाय डे इतनी वॉलेटाइल रहती है कि जहां पर एकदम से रेड जोन आ गया वहां पर हम एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए डिलीवरीज को कम कर देते हैं, और जहां पे ग्रीन जोन है वहां पे हम कैपेसिटीज को खोल देते हैं. और ये सब करने के लिए हमारे पास में हमारी टेक्नोलॉजी टीम रहती है बैक एंड पे. तो आप मानेंगे नहीं, घंटे पर घंटे हमारे को सिचुएशन का पता रहता है कि यहाँ से कितनी डिमांड आने वाली है, वहां पर उतनी कैपेसिटी हम बढ़ा देते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग जो है हमारी डिमांड ऑलमोस्ट प्री कोविड टाइम से 3x हो गई है. तो कहने का मतलब है कि आज की डेट में हम दिन के ऑलमोस्ट 2 लाख ऑर्डर्स, 2 लाख कस्टमर्स को पहुंचने की कैपेसिटी रखते हैं और पहुंचते भी हैं. हमने जो हायरिंग करी है वो बहुत ही एग्रेसिव फॉर्म में हायरिंग करी है. हमने उनकी प्रोटेक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि हमारे लिए सप्लाई चेन हमारे इम्प्लॉयज के साथ चलती है और उनकी प्रोटेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है. तो उनको फेस मास्क, उनको सैनिटाइजर्स, उनको ग्लव्स, हेड गियर, सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं ताकि वो लोग जब वेयरहाउस आए या वो जब हमारे डिलीवरी हब्स में जाएं, उनको एक सेफ एनवायरनमेंट दिखना चाहिए. तो हम तो दिन रात इसी तैयारी में लगे हुए हैं कि अगर चौगनी डिमांड भी आ जाए हम लोग तैयार रहेंगे. और कस्टमर्स को सर्व करना ही हमारी कंपनी का सबसे बड़ा विजन है. और ऐसे चैलेंजिंग टाइम्स में अगर हम काम आ सके उन कस्टमर्स के लिए, नए कस्टमर्स, पुराने कस्टमर्स, नीडी कस्टमर्स, हमारे डोर्स हमेशा खुले रहेंगे. और अगर ज्यादा जरूरत पड़ी है हमारे डोर ज्यादा बड़े करेंगे. ओके नागेश जी, क्योंकि जिस तरीके से इस कोविड लॉकडाउन 2 एरा की हम बात कर रहे हैं और जैसे कि डिमांड यहाँ पर काफी ज्यादा है, चाहे वो रिटेलर्स के पास हो और या फिर मैं कहूँ कि ऑनलाइन में, एक स्वाभाविक से जो मैं कहूँ कि मनुष्य की एक प्राकृतिक मैं कहूँ कि उसकी ये चीज दिखती है कि हो सकता है कि ये लॉकडाउन बढ़ जाए, इसके चलते कुछ लोग ज्यादा स्टॉक ले रहे हैं, ज्यादा अपना स्टॉक करना पसंद कर रहे हैं. आपकी नजर में अगले कुछ दिनों के बाद, मैं खासतौर पर कहूँ कि 10 से 15 दिन के बाद, किस तरीके का चैलेंज रिटेलर्स के सामने आ सकता है, चाहे वो डिमांड को मीट आउट करने को लेकर हो या फिर प्रिकॉशंस के साथ में ज्यादा डिमांड को मैं कहूँ कि संभालने की बात हो? देखिए, जहां तक सवाल है 10 दिन या 15 दिन के बाद जब लॉकडाउन खुलेगा तो चैलेंजेस और बढ़ेंगे नहीं, मेरे हिसाब से कम हो जाएंगे. क्योंकि जो मोस्ट चैलेंजिंग एनवायरमेंट रहा है वो अभी का रहा है, जहाँ आपका सप्लाई चेन में प्रॉब्लम है, दुकानें पूरे 7 दिन खुल नहीं रही हैं, आपके कंटेनमेंट जोन्स हैं. और दूसरा ये भी देखिए कि ग्राहक जो है, कस्टमर जो है, उसने अपने आप को काफ़ी एडजस्ट किया है. आज के दिन में अगर आप देखो तो कस्टमर जो हम बोलते हैं कि किसी भी दुकान में 1800 SKUs होते हैं, एक किराना में या सुपरमार्केट में 2000 से लेकर 30,000 SKUs होते हैं, तो पूरा का पूरा कंजम्पशन नहीं कर रहा कस्टमर. हाँ, ये तकलीफ ज़रूर होगा कि जब लॉकडाउन उठेगा उसके बाद भी जो ये सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म हैं, ये सेफ्टी के नॉर्म्स हैं, अगर ये आपको मेंटेन करना है, और स्पेशली फूड एंड ग्रोसरी में, जहां पर कि आप देखो 95% जो है आज भी हमारे किराना वाले ही सर्व कर रहे हैं, तो मॉडर्न रिटेल में, ऑनलाइन में और किराना में कैसे सेफ डिस्टेंस मेंटेन करोगे? लोग रस्ते पे आ जाएंगे. अगर आप 6-6 फुट पे खड़ा करोगे लोगों को तो रस्ते पे आ जाएंगे. तो हमको अपनी दुकानें काफी जल्दी खोलनी पड़ेगी और काफी लेट तक ओपन करना पड़ेगा, जैसे कि अपने आप से लोगों के आने में गैप हो जाए और भीड़ एक साथ नहीं आए. दिस आई थिंक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. और जहां तक ब्रांड्स का सवाल है, जब तक आप एग्रीकल्चर और सारे प्रोडक्शंस नहीं खोलोगे, आपका पूरा पाइपलाइन में सारे ब्रांड्स की जो है आपका अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगा, तो वो प्रॉब्लम तो रहेगा. बट ऑनेस्टली आई थिंक वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ आवर कंट्री कि ऐसे माहौल में, इतने प्रॉब्लम में, ओके, हमको तो एटलीस्ट जो लोग सक्षम है और ठीक है उनके घर में तो किचन बंद नहीं हुआ है. यस, माइग्रेंट लेबर्स है जिनको तकलीफ हुआ है. दूसरा जो एक चीज ये मानना पड़ेगा कि 130 करोड़ लोगों को घर में किचन चलाने के लिए, जो हमारे रिटेलर किराना है, मॉडर्न रिटेलर है, उनके यहाँ जो बच्चे लोग काम कर रहे हैं, ओके, इन यहाँ काफी प्रॉब्लम आया है, क्योंकि जो लेबर अवेलेबिलिटी रहा है उसमें काफी फर्क हो गया है.
तो हमने अपने रिटेल एसोसिएशन में तो ऐसा भी किया कि जो लोग कपड़ा बेचते थे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स बेचते थे, उनके जो हमारे कर्मचारी है उन लोगों का हमने फूड वालों को ऑफर किया कि जो दो दिन हमारी दुकानें नहीं खुले हैं तो आप जाके वहां वॉलंटियर कर लो। तो ऐसे बहुत सी चीजें एसोसिएशन ने किया है, और मुझे नहीं लगता कि जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा आपको सप्लाई चेन का प्रॉब्लम आएगा या अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम आएगा या सर्विस का प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम ये जरूर आएगा कि हम कैसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, और ये मत भूलिए कि अप्रैल है, मई है, गर्मी है, और अगर आप मॉल भी नहीं खोलेंगे, और हमारी तो सरकार से गुजारिश है कि आप मॉल खोलो, नहीं तो आप क्या रास्ते पे लोग धूप में खड़े होंगे, आप नया प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। सो आई थिंक वी हैव टू लुक एट दिस इन अ वेरी वेरी होलसम वे, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट द वे इट हैज गॉट हैंडल्ड कि उस तरह का आप चैलेंज नहीं आना चाहिए। कस्टमर ही अपने आप में बहुत ही समझदार हो गया है, एंड थिंग्स हैव बीन इन अ वेरी बैलेंस्ड वे टुडे। सिद्धार्थ, अगर मैं थोड़ा सा अगर दूसरे दुनिया के देशों की बात करूं, और वहां पर हमने देखा था कि जब लॉकडाउन इस तरह की समस्या आई, मॉल या शॉप्स के बाहर बहुत लंबी कतारें, कई शहरों में खबरें हैं जो कि मॉडर्न शहर कहे जाते हैं, विकसित देशों में वहां पर भी किल्लत थी। लेकिन क्या हम ये कहें कि हमारे देश में जो मिक्स मॉडल है, चाहे वो किराना स्टोर और ऑनलाइन का, वो बेहतर मॉडल नजर आया ऐसे महामारी के दौर में, और तमाम मैं कहूं कि घनी आबादी, इतनी विस्तृत आबादी के बावजूद हमने सब कुछ सहूलियत के साथ मेंटेन किया है। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। काफ़ी बड़े देशों में और वहाँ पर जो है आम ज़रूरत की चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आया, लोगों ने पैनिक बाइंग में चीज़ें ज़्यादा उठा ली। मतलब वो वैसे फ़ोटो जिसमें कि शॉप शेल्स खाली हों वो आम थे, और कई जगह पर तो दुकानों को लूट लिया गया जहाँ पर टॉयलेट पेपर या किसी चीज़ की कमी लोगों को लगी। हमारे यहाँ मतलब जैसा सब बोल रहे हैं, एक ये रिटेल सेक्टर का सक्सेस है जो कि इस बार उभर के आया है कि किसी तरीके से भी जो आपका रोज़मर्रे की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मिलती रही हैं। इसमें एक जब भी ये लॉकडाउन खुलेगा वो पूर्ण रूप से खुलेगा नहीं, यह ग्रेडेड तरीके से होगा। ऐसा है नहीं कि मतलब 3 मई को जो है पूरे देश में हो गया कि अभी सब कुछ खोल दिया जाए, कुछ चीज़ें बंद रहेंगी। एक चीज़ जो करने की आवश्यकता पड़ेगी वो है ये एसेंशियल और नॉन एसेंशियल जो ज़रूरत की चीज़ें हैं या जो उतनी ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं उनकी जो परिभाषा है उसमें थोड़े ढील देने की आवश्यकता है। क्योंकि अब आप यदि आप एक उदाहरण के तौर पे गार्बेज बैग यदि आप ऑर्डर करें किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तो वो एसेंशियल आइटम में आता है, लेकिन अगर जो आप मॉप करें तो वह एसेंशियल आइटम के परिभाषा में नहीं आता है। तो आज के समय में ये बिल्कुल एक ज़रूरत की चीज़ है। दूसरी चीज़ जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया या लैपटॉप हो गए, अब जबकि बच्चे माँ बाप सब घर से काम कर रहे हैं इसकी ज़रूरत बढ़ गई है। आपका हो सकता है पहले 2 स्क्रीन में काम चल जाता, अब आपको जो है 4 स्क्रीन की आवश्यकता है, काफ़ी घरों में ये चीज़ उपलब्ध नहीं है। तो इन सब चीज़ों को, ये दायरा जो है एसेंशियल आइटम्स का, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, और इसको किसी तरीके से यह चीज़ ट्रेड के ऊपर छोड़ दिया जाए और उपभोक्ताओं पर छोड़ दिया जाए। हो सकता है कोई चीज़ मुझे आज बहुत ज़रूरी है, आपको उसकी आवश्यकता ना पड़े। तो और आज के समय में कोई आदमी ज़रूरत से ज़्यादा सामान नहीं खरीद रहा, जो बिल्कुल ज़रूरत की चीज़ है वही खरीद रहा है। तो इस पर नज़र डालने की एक ज़रूरत है। ओके निधि जी, एक आखिरी कमेंट में चाहूंगा, जो एसेंशियल नॉन एसेंशियल की लिस्ट है उसको कई दर्शकों ने भी हमारे सवाल भेजे, सुझाव भेजे कि उसमें क्या सरकार को लगता है कि बदलाव का वक्त है और जिस तरीके से लॉकडाउन के एक्सपीरियंसेस हैं वहां पर इस लिस्ट को संशोधित करने की जरूरत है। एकदम, आपने देखा होगा कि जब से हमने 25 मार्च से जब से ये लॉकडाउन की व्यवस्था आई है तो बड़ी डायनेमिक सिचुएशन रही है, और प्रत्येक दिन वर्चुअली जो MHA के ऑर्डर्स हैं वो भी आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से लगातार जैसे जैसे समस्याएं आई वैसे वैसे समाधान उनका निकालने की कोशिश की गई। अब अगली जो चुनौती आ रही है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने उद्बोधन में कहा कि लोगों को ये सोचना अब होगा और एक लंबे समय पे कि ये एकदम से चली जाएगी या कोरोना वायरस का थ्रेट खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो उपभोक्ता भी बहुत सचेत हैं
और मैं कहूंगी कि हमारे जो सप्लाईज में जो चाहे वो रिटेल या किराना या ऑनलाइन सभी लोग बहुत ज्यादा इसमें सचेत हैं, और अब हम लोग ये लगातार मॉनिटर कर रहे हैं कि हम फिर किस प्रकार से अलग अलग जगह स्टैगर्ड तरीके से जब हम ऑपरेट करेंगे तो हम इसेंशियल नॉन इसेंशियल में किस प्रकार से लचीलापन लेकर के आएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहूलियत हो, चाहे वो बिजनेस हो चाहे उपभोक्ता हो। ओके नागेश जी, बहुत संक्षेप में सर जो आप कुछ कहना चाह रहे थे, बहुत संक्षेप में। मैं ये कहना चाह रहा था जैसे सिद्धार्थ जी ने बोला कि इंटरनेशनली जो है दुकानें बड़ी बड़ी हैं, बहुत दूर हैं, और इंडिया में जो इतनी छोटी छोटी किराना है जिन्होंने की ये सर्विस दिया है, मेरे ख्याल से इस कोविड के बाद में गवर्नमेंट को जो जो किराना और छोटी दुकानें हैं उनका महत्व समझना चाहिए और उनके लिए जितना भी हम बढ़ावा कर सके, जो उनके लिए इन्वेस्टमेंट कर सके, उनको मॉडर्नाइज कर सके, वो जरूरी है। देखिए इंडिया में सुपरमार्केट्स और किराना ने मिलके जो है ये पूरे सिचुएशन को संभाल लिया है। आई थिंक वी नीड टू इन्वेस्ट इन देम नाउ। ओके, बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए और बताने के लिए कि सप्लाई चेन कैसे मेंटेन हो रही, चुनौतियां क्या हैं, और किराना हो, ऑनलाइन हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, किस तरीके से मदद कर रहे हैं, और यानी कि हर आम जनता तक वो सामान जो जरूरी है वो आपको पहुंचाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं।